नमस्कार, मु डाक्तर सत्यव्रत पाणिग्राही, पीएचडी स्कॉलर ऑडियोलॉजी, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर एसजीआरडी मेडिकल यूनिवर्सिटी अमृतसर। आज मान्यवर हाईकोर्ट देथिबा आदेश जहाँकि दुर्गा पूजा रे डीजे शब्दर अधिकतम मात्रा 65 डेसिबल मध्यरे रखा जीवो ताहा उपरे किछि आलोकपात करबाकु आसिछि। प्रथम कथा हला एपरी शब्द प्रदूषण उपरे माननीय हाईकोर्ट पर्यालोचना करुछन्ति एवं किछि किछि आदेश देउछन्ति ताहा अत्यंत स्वागतयोग्य, किंतु चिंतार विषय यह जे 65 डेसिबल जो अधिकतम मात्रा रखा जाइछि ताहा प्रैक्टिकल बेस्ड नुहे। कौन पाई मुझे परी कहूँ कहीं ना श्रवण विज्ञान रे एवं शब्द प्रदूषण नॉइज उपरे एवं तार प्रभाव किपरी ह्यूमन बॉडी उपरे पड़ुछि तार संपूर्ण ज्ञान रखी मुझे जिनसटा उपरे आलोकपात करुछि। प्रथमे देखिबा जे डेसिबल स्केल ताहा हेउछि लॉगरिथमिक वैल्यू हिसाब रे काम करे, तेणु नॉर्मली डेसिबल स्केल उपरे जदि आलोकपात करिबा आमे कथोप कथन दि जण सामना सामनी नॉर्मल लेवल रे करुछन्ति ताहा 55 रु 60 डेसिबल। मु जदि बहुत धीरे धीरे विस्पर करी कहिबी ताहा 30 रु 35 डेसिबल, एहा 30 रु 35 डेसिबल हबो। जदि आपण देखिबे ट्रेन रो हॉर्न तार आवाज हो जीव 90 रु 110 डेसिबल पाखापाखि, तेणु केबे भी डीजे शब्द डीजे बाजा बाजिबार जो शब्द 65 डेसिबल मध्यरे रखा जाई परिबो ताहा प्रैक्टिकल बेस्ड नुहे। ता पुणि 5 रु 6 डीजे बॉक्स एका सांगरे जदि लागे तबे तो यह असंभव मात्र। डेसिबल प्लस डेसिबल तार भी कैलकुलेशन टिके अलग, एमती 65 डेसिबल मिशाण 65 डेसिबल ताहा 130 डेसिबल हुए, ताहा 68 डेसिबल रोए। तेणु लॉगरिथमिक स्केल डेसिबल स्केल अलग प्रकारे काम करे एवं 65 डेसिबल मध्यरे डीजे साउंड को रखिबा असंभव मात्र। तेबे आमे एथिरे कौन कौन करिपरिबा एबे कौन करिबा दरकार, माननीय हाईकोर्ट जति संभव किसी श्रवण विज्ञानी को डाकी तांको सहित पर्यालोचना करी सही लेवल टा को केतेरे सेट कले जहाँ आमर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अनुसार अच्छी मनीष शरीर उपरे सेते प्रभाव पड़िबनी एवं समस्ते भलरे एंजॉय करि परिबे तार गुटे मध्यम पंथा आपणिया पड़ मो मतरे 80 रु 90 डेसिबल भितर जदि ताको रखा जाए एवं जेते जन सेठी उपस्थित अछन्ति समस्ते पर्सनल इयर प्रोटेक्टिव डिवाइस जोटा को इयर मफ इयर प्लग कहा जाए इयर प्लग गोटा 50-60 टंका रे आपनकर मिली जीवो, तेणु सेटा जदि लगा जाए जो साउंड प्रेशरटा आमर आसुची ताहा कान उपरे सेते प्रभाव पकई परिबो नाही। द्वितीय जिनस हला जो साउंड बॉक्स गुड़िक लगी किछि दूरतारे आकोस्टिक परदा आमे लगाई परिबा जहाँ कि साउंड प्रेशर जेतेबेले साउंड बॉक्स को आसुची से परदा इच्छी मात्रा रे से प्रेशर को अब्जर्व करि दो बस ताकु आगो को सेते जीवा को दबोन एवं जेतेबेले भी साउंड बॉक्स लागुची एका सांगरे 6-7 न लगाई 2-3 सेमती लगेले भी ता साउंड सेते तीव्र हेबो नाही, तेणु एही सब पर्यालोचना करी पुनर्बार गोटे जदि हाईकोर्ट यदि आउ गोटे डिसीजन करते समाज पाई एक सुंदर बार्ता हुआ
ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରନ୍ତେ। ଏଇ ଜିନିଷ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ପରମିସନ ଆଣିଥିଲେ ଯେ 65 ଡେସିବେଲ୍ର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିଲା, ପାଖାପାଖି ତାହା 90-110 ଡେସିବେଲ୍ ହେଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତେଣୁ ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଭଳି କିଛି ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ ମିଟର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିସିସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଲେବଲ୍ ମିଟର ଯାହାକି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମାପେ, ତା'ର ୟୁଜ୍ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକୁଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପର ଆସିଗଲାଣି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଯେତିକି ସେଟ୍ କରାଯିବ ତାଠୁ ଅଧିକରେ ସିଏ ଦେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠୁ ନଏଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଦେବ, ତାକୁ ରୋକିଦେବ, କମେଇଦେବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ବି କିଛି ପନ୍ଥା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କିମ୍ବା ଧ୍ୱନି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଶ୍ରବଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଡିସିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।